दूही कला का शिव मंदिर जमालपुर बाजार से करीब 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ नक्सल प्रभावित गांव दूही कला में स्थित है। तालाब के पास स्थित करीब 150 वर्ष पुराने शिव मंदिर में लोगों के लिए एक विशेष आस्था है। यह शिव मंदिर लोगों के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र बिंदु बना हुआ है और यह बहुत ही महत्व रखता है। शिव मंदिर की प्राचीनता के विषय में लिखित एवं प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार करीब 150 वर्ष पूर्व जमींदार अशरफी सिंह को कोई संतान नहीं थी। जमीन के नीचे से शिवलिंग निकालकर मंदिर बनवाने पर वंश चलने का स्वप्न दिखाई देने पर उनके द्वारा उस स्थान पर तालाब की खुदाई करवाते समय तालाब से शिवलिंग निकला। तालाब के पास लोगों के सहयोग से मंदिर का निर्माण करवाकर शिवलिंग को प्रतिष्ठित किया गया। उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, तभी से शिव मंदिर की प्रसिद्धि अगल बगल के गांवों में फैल गई। सावन महीने में मंदिर परिसर में बाबा भोलेनाथ की पूजा करने के लिए भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। महाशिवरात्रि के दिन जागरण का आयोजन किया जाता है एवं बाबा का रुद्राभिषेक किया जाता है। सप्ताह में एक दिन शिव चर्चा का आयोजन होता है। मन्नत पूरी होने पर बाबा भोलेनाथ की विशेष पूजा की जाती है और ग्रामीणों द्वारा कथा भी सुनी जाती है। मंदिर के पुजारी द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से मंदिर की साफ सफाई की जाती है। जो बाबा के शरण में सच्चे मन से आता है उसकी झोली भर जाती है। बाबा की पूजा से दुखियों के सारे दुख पलक झपकते ही दूर हो जाते हैं। बाबा की कृपा अपने शरणागत पर सदैव बनी रहती है। तो ये थी दूही कला में स्थित शिव मंदिर की महिमा के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक